वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक के फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना हो, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया स्टॉक मार्केट से, सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। उनका कहना था कि आप किसी भी कंपनी में पैसा क्या देख के लगाएंगे, अगर वो बिजनेस सही है तो ये मत देखें कि उसका प्राइस अभी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। बिजनेस ठीक है तो आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आपका दोस्त आके आपसे कह देता है कि ला 5 लाख रुपए, तो आप क्या उसके हाथ में बगैर पूछे रख देंगे? आप पूछेंगे कि भाई क्या बिजनेस कर रहा है, कैसे करेगा, फ़ायदा होगा कैसे होगा, नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, नुकसान क्यों नहीं होगा, ये सब कुछ तसल्ली हो जाएगी, फिर जेब में हाथ डालेंगे। और स्टॉक मार्केट में आदमी कैसे आता है कि किसी से भी कैजुअली पूछ लिया कि यार क्या ले लूँ। अब वो आदमी कैसी कंडीशन में है, किससे पूछ रहा हूँ ये भी पता नहीं। आपने या तो उसने कुछ बोला वो ले लिया, या आपने कुछ एक दिन के लिए लिया था उसको रख लिया, या फिर किसी टीवी चैनल पे किसी का नाम सुना, किसी पेपर में किसी स्टॉक का नाम सुना और उठा के रख लिया, और फिर आप कहते हैं कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं नुकसान में चला गया। तो फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल जैसे किसी दोस्त की पहचान विपत्ति में होती है, वैसे मंदी में या गिरते हुए बाजार में किसी अच्छे शेयर की पहचान होती है कि वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ टिकता है और कितनी स्ट्रेंथ के साथ वापस ऊपर आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे मनी कंट्रोल पे आप आते हैं, ये आप यहाँ पे कुछ खबर पढ़ते हैं, निफ्टी एंड ज़ेफ एंड ओ एक्सपायरी बिलो 8200, सेंसेक्स प्लंजेस 298 पॉइंट, अप ट्रेंड टू सस्टेन, अप ट्रेंड बना रहेगा, प्राइवेट बैंक्स और ऑटो सेक्टर चलेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। ये आपकी काफ़ी जानकारी बढ़ाते हैं और बहुत सारी साइट्स होगी जो आपको फंडामेंटल बता सकती है, लेकिन मनी कंट्रोल को लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं इससे आपको इसका रेफरेंस लेके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टॉक एडवाइस करके नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ यहाँ पे नाम आते हैं, केयर, कंसाइन, एरोलिक, जीडीएल, जिंदल वर्ल्ड वाइड, ऐसे स्टॉक्स के नाम दिए हुए हैं। तो मैं किसी एक स्टॉक को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये जिंदल वर्ल्ड वाइड है, इसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इसका प्राइस आ गया सामने। अब किसी एक कंपनी का पूरा डिटेल जानना ये कैसे पॉसिबल होता है वो आप यहाँ देखिए। यहाँ पे लिखा है इसका मार्केट प्राइस बीएसई और एनएसई में। उसके अलावा ये चार्ट है, 1 डे 5 डे 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर और मैक्सिमम चार्ट। 52 हफ्तों का हाई और लो दिया हुआ है ना, आज का हाई लो दिया हुआ है ना। और आप यहाँ पे जब मैक्स चार्ट देखेंगे, मैक्स करके देखिए, तो आपको ऑल टाइम हाई लो भी दिखाई देगा। ऑल टाइम मतलब अभी तक जो सबसे ऊंचा लेवल इसका रहा है और सबसे निचला लेवल रहा है वो पता लग जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 364 381 का एक लेवल था जो सबसे हाई लेवल था, और लो में इधर दिख रहा है हमको 425 पैसे का इसका लेवल था। 25 पैसे का था ये सन 2002 में, और आप ये देख सकते हैं 2007 में इसने 400 रुपये का हाई बना दिया था। तो ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है ऐसे आपको फ़ायदा दिलाती है। फिर मार्केट कैपिटल बताया कितने करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर 13 बता रखा है, पी रेशो 8.46 बता रखा है, बुक वैल्यू 69 बता रखी है ना। तो अगर 110 रुपये का प्राइस है और 69 की बुक वैल्यू है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी संपत्ति की कीमत के हिसाब से, असेट की कीमत के हिसाब से पर शेयर का इतना तो वर्थ बनता ही है। डिविडेंड 5% देता है, इंडस्ट्री पी क्या है, मार्केट लॉट क्या है, इंडस्ट्री पी 12 का बता रहे हैं, प्राइस से बुक वैल्यू का रेशो बताया गया 1.59 है कि जो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, फेस वैल्यू बता दी, ठीक है। अब इसके बाद आप नीचे आते हैं, लेफ्ट साइड में भी चार्ट, न्यूज़, कमेंट्स, अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीयर कंपनी इन्फो, अलर्ट्स और विजेट्स है। और यहाँ नीचे आप बॉटम में आते हैं तो वहाँ और सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो न्यूज़ में क्या हो जाएगा, बिजनेस, ये जो सेक्टर है और ये कंपनी, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, अर्निंग्स कैसी चल रही हैं, मैनेजमेंट के इंटरव्यू, अनाउंसमेंट्स क्या हैं, स्टॉक को लेके व्यूज़ क्या है, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है, ब्रोकर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में सेक्टर, फिर बोर्ड मीटिंग कब है, एनुअल जनरल मीटिंग, बोनस राइट स्प्लिट की हिस्ट्री, कब इसको बोनस मिला, कब राइट इशू आया था, कब इसके टुकड़े हुए, स्प्लिट हुए। बोनस एक कॉर्पोरेट बेनिफिट है पर स्प्लिट एक कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं है, ये बात हम आगे और डिटेल में करेंगे।
डिविडेंड मतलब लाभांश, कंपनी को जो लाभ मिल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका हिस्सा वो इन्वेस्टर्स के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, वो डिविडेंड कहलाता है। तो एक तरह की रेगुलर इनकम होती है किसी स्टॉक पे। फिर कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कब से ये शुरू हुई, लिस्टिंग इन्फो बताया कि कितने में इशू आया था, कब लिस्ट हुआ, क्या लिस्टिंग प्राइस क्या था। फिर लोकेशंस कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट्स हैं, बल्क डील ब्लॉक डील बता रहे हैं। शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताया जा रहा है कि प्रमोटर के पास कितना है, इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितना है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको क्लिक करके देखने को हमने हमेशा आपसे कहा ही है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ के इसको तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, तो उस स्टॉक के बारे में फिर हम किसी और को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़्यादा अच्छी हो। उसके बाद ये टॉप शेयर होल्डर्स, प्रमोटर की होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, नाइन मंथली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, कैश फ्लो रेशोज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। फिर एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर की रिपोर्ट है, चेयरमैन की स्पीच है, ऑडिटर की रिपोर्ट है, फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैकग्राउंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, और फिर ये पीयर कंपैरिजन आ जाता है कि इसी सेक्टर की जो कंपटीशन में कंपनीज है, जो सेम प्रोडक्ट या बिजनेस में डील करती है, उनका कंपटीशन, उनकी प्राइस, उनके प्राइस का परफॉर्मेंस, उनकी मार्केट कैपिटल, उनकी नेट सेल्स, उनका नेट प्रॉफिट, उसके हिसाब से कंपैरिजन आएगा ये सारा। कि अगर मैंने प्राइस का कंपैरिजन किया तो सारी कंपनी का प्राइस वाइज या कंपैरिजन मुझे दिखने लगेगा। तो ओपन हाई, लो क्लोज, लास्ट प्राइस, प्रीवियस प्राइस चेंज, परसेंटेज चेंज। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज कंपैरिजन क्लिक करूँगा तो मुझे पता लगेगा इन्हीं पीयर ग्रुप में किसने कितना रिटर्न दिया। तो साल भर के अंदर क्लोजिंग के हिसाब से एक वीक का रिटर्न कितना हुआ, नाइन मंथ का, वन ईयर का रिटर्न कितना हुआ, तो ये पता लगता है यहाँ पे। बैक करके जाता हूँ मैं तो टोटल असेट के हिसाब से भी मैं देख सकता हूँ या मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी इस ग्रुप की कौन सी है, साफ दिखता है, है ना। और यहाँ पे ये टॉप 100 करके लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ध्यान देना। ये जब आप इस तरह की चीज़ें स्टडी कर रहे हो उसी वक्त आपको यहाँ पता लगेगा टॉप 100 कंपनीज और अलग अलग सेक्टर ए से लेके जेड तक कितने कितने सेक्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी, ये डिटेल में आपको यहाँ पता लग सकता है। तो पूरे मार्केट को फंडामेंटली स्टडी करना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को लगती है कि जैसे मैंने बताया इतनी सारी बातें हैं, तो कोई इंसान अगर इसको डिटेल देखने जाएगा तो हो सकता है उसको 4 दिन लग जाए एक कंपनी को देखने में, तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि यार एक कंपनी को देखने में जब 4 दिन लग रहे हैं और यहाँ 2500 कंपनीज है, तो मैं कब तक किसी डिसीजन में पहुँचूंगा। और जब काम बहुत लंबा होता है तो फिर आदमी काम शुरू ही नहीं करता है। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि पहले हम किसी स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग देखना, ये एक तरह का स्क्रीनर है। 200 दिन का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देख रहे हैं, वो एक तरह का स्क्रीनर हो सकता है, है ना। या फिर हम इंडिया की टॉप 100 कंपनीज निफ्टी निफ्टी यूनियन में से चुन रहे हैं, मार्केट कैपिटल के हिसाब से चुन रहे हैं, वो भी एक तरह का स्क्रीनर होगा। फिर हम उनका चार्ट देखेंगे और चार्ट में भी हम सेक्टर वाइज हर सेक्टर के 2-2 स्टॉक देखेंगे। तो अगर 15 सेक्टर हैं इम्पोर्टेंट, तो उसके 30 शेयर्स का तो आपको स्टडी करना है। तो वो तरीका हम आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो फिजिबल है आपके लिए, तभी आप काम कर पाएंगे। नहीं तो आदर्श की बातें करते रहने से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी साधारण भी नहीं रह पाता। तो आप साधारण तरीके से काम शुरू करो और एक एक कदम ऊपर उठ के आप एक आदर्श स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो वही तरीका हम आपको यहाँ बता रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये एक पैरेलल स्टडी है, मतलब एक आप इंट्राडे और ऑप्शन के, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उसका तत्काल रिवार्ड भी मिलता है। फंडामेंटल क्यों इतना स्टडी करने का मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको 6 महीने 2 साल बाद नज़र आते हैं। तो ये एक पैरेलल स्टडी है। आप अगर आधा घंटा इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा पैरेलल स्टडी इसकी करते चले जाइए। आपके दिमाग में एक शानदार डाटा बैंक बन जाएगा। शुरू शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद में वही टाइम कम होता चला जाएगा। तो आपके पास हर एक कंपनी को लेके एक इनसाइट होगा और बैलेंस होगा पूरा, कि अपनी कितनी कैपिटल आप किस तरह के स्टॉक में डालनी है, कब तक रुकना है, कितना बेचना है, सबका आइडिया आपको होता चला जाएगा।
आप भी बन सकते हैं वॉरेन बफे या झुनझुनवाला। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। थैंक यू।